तो मैंने क्या बोलो वही लाइन क्या पंडित क्या भेद गृहस्थे यह सब बसे काल की बस्ती। सब पढ़े लिखे विद्वान पंडित शेख भेख गृहस्थी सभी काल की हम बस्ती में हैं। काल क्या है? समय। समय में उतार चढ़ाव आएगा, मिलना भी होगा पिसना भी होगा, नफा भी होगा हानि भी होगी, दुख भी होगा रोग भी आएगा तंदुरुस्त। जो चीज आई है वो जाएगी, जो चीज बीमारी आई वो जाएगी, कोई धन आया जाएगा, जो चीज आई है जाने वाले की आई है तो उसके लिए रफाया है क्यों करना। मैं ऐसा समझता, हो सकता मैं गलत हूँ, मुझे क्या पता कल को क्या होना मालिक जाने। तो वो कहते हैं कि हम सब काल की बस्ती में हैं, फिर क्या होगा आगे पढ़ो। 84 में बहु भरमा है नरक स्वर्ग के धक्के खाए। ये सब जो अज्ञान में है, कहते हैं गुरु बिना ज्ञान नहीं, ज्ञान बिना मोक्ष नहीं। ये दो बातें याद रखना। गुरु क्या? गुरु किसी को पार नहीं करता, नो, गुरु का ज्ञान पार करता है। इसलिए बाबा जी ने कहा कि जो लोग मेरी पूजा करेंगे, थारा रेलवे मंडी में रहता है उसकी मूर्ति को आरती करी जाते हैं और वो भी पार होंगे ना। पार वो होंगे जो मेरी बात पर चलेंगे, जो मेरे अंग को पकड़ेंगे। इसीलिए ये कहा ये सब दुनिया जो बाहर मुखी है, बाहर मुखी है, अंतर्मुखी नहीं। अंतर्मुखी तर जाएगा, बाहर मुखी जितने भी जो कुछ भी हम करते हैं, पाठ करते, पूजा करते, आरती करते, हवन करते, यज्ञ करते, ये दुनिया का काम है, करना भी चाहिए, मैं इसके विरुद्ध नहीं हूँ, लेकिन पार नहीं जाएंगे। 84 लाख जोनी है और वो करोड़ प्राण पढ़ो वो भी बताता है, सावन महीना पढ़ो वो भी बताता है, श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज की वाणी को पढ़ो वहाँ भी आपको इशारा मिलता है कि हम गुरु के ज्ञान के बगैर 84 में पढ़ेंगे पढ़ेंगे पढ़ेंगे। आगे पढ़ो। जो कोई उनसे कह समझाए उल्टी माने करे लड़ाई। अब आप ऐसे लोगों में जो के ये काम करते हैं और उसी में व्यस्त हैं और उसी में खुश है, तिलक लगा लिया, घंटी बजा ली, उनको कहो कि घंटी बंद कर, तेरे अंदर घंटी बज रही, वो तुमसे लड़ेगा, वो तुम्हारे से झगड़ा करेगा। मुझे एक बार मौका मिला, साधु आश्रम में मुझे बुलाया, साधु आश्रम में कोई फंक्शन था तो वहाँ कुरुक्षेत्र से हेड ऑफ द संस्कृत डिपार्टमेंट भी आया हुआ था, तो मुझे भी उन्होंने बुलाया अध्यक्ष के रूप में, तो आखिर में मुझे भी बोलना पड़ा। तो मैंने तो वही बाणी कहनी थी जो बाबा फकीर ने बताई, अपना तो कुछ है ही नहीं। उसके बाद खाना खाने बैठे तो जो पंडित जी बड़े विद्वान बैठ गए मेरे साथ खाना खाने, मैं कह बैठा, मैं कह पंडित जी हम भूल गए सनातन धर्म को, वो तो कहते सब कुछ अंदर है, गायत्री मंत्र का जो है इशारा कि अंदर जाओ अंदर ज्योति के दर्शन करो, तो वो उसने रोटी बंद कर दी, कहता जी छोड़ो इन बातों को, ये सब फजूल की बातें हैं, वो विद्वान ने मुझे कह दिया। मैं समझ गया, मैं कहा मैंने मेरे को झगड़ा नहीं करना चाहिए, मैंने कहा मैं कहा मैं डॉक्टर ने छेड़ लिया, मैं चुप हो गया। मैं कहा ठीक है जी रोटी खाओ, रोटी खा के अपनी गड्डी से बैठे वापस आ गए। इनके साथ बात करोगे तुम्हारे को पकड़ लेंगे, झगड़ा करेंगे तुम्हारे साथ, बात समझ गए। जहाँ कोई लगा है उसको लगा रहने दो, ना जाने कितने जन्म उन्होंने ये काम करना, और हो सकता है मैंने भी ये किया हो अपने जन्मों में, मुझे क्या पता। शर्मा जी यहाँ पहुँचने के लिए मुझे भी क्या कुछ करना हुआ हुआ किया होगा, तो मालिक की दया हुई के चल तुम्हें गुरु मिल जाएगा। बात समझ गए ना मेरी बात। मैं निंदा नहीं करता, कोई दूसरी क्लास में पढ़ता है, कोई चौथी में पढ़ता है, कोई दसवीं में पढ़ता है, जिन्हें PhD कर ली वो कहे दसवीं क्लास कुछ नहीं, वो गलती है, वो भी तो दसवीं पहले पास की है ना। इसलिए जो जो यहाँ है वो अपने अपने कर्मों के अनुसार, अपने अपने लेवल के अनुसार ठीक कर रहा है। अब समय की बात को कौन समझे? वो समझेगा जिस पर दया आदि करता की सोजे नियामत पाए।
जिस पर उसकी दया हो जाएगी वो इस बात को पकड़ेगा। आगे बोलो। कल युग करम धर्म नहीं कोई, नाम बिना उद्धार न होई। फिर पढ़ो यही लाइन। कल युग करम धर्म नहीं कोई, नाम बिना उद्धार न होई। अब स्वामी जी ने फैसला कर दिया कलयुग में कोई कर्म धर्म नहीं है, कोई पूजा पाठ नहीं है, कोई तीर्थ व्रत की जरूरत नहीं है। क्या चाहिए? नाम, नाम चाहिए। नाम बिना उद्धार नहीं होगा। अब सवाल पैदा हो गया कि वो नाम क्या है। अब स्वामी जी ने यहां तो नहीं कहा बताया, बाबा फकीर ने बता दिया। वो क्या बताया कि तुम चाहे राम नाम जपो, चाहे हरि ओम जपो, चाहे ओम भूर्भुवस्वः जपो, चाहे ओम शिवाय जपो, चाहे वाहेगुरु जपो, चाहे सतनाम जपो, जपने से किसी का बेड़ा पार नहीं होगा, क्योंकि वो नाम नहीं है। वो नाम केवल तुम्हारे मन को इकट्ठा करने का एक साधन है कि तुम उसका स्मरण करोगे तो तुम्हारा मन यहाँ ठहर जाएगा, बस। और आगे, वो नाम जो है, वो जो असली नाम है, आगे पढ़ो, आगे पढ़ो, मैं बताता हूँ। नाम भेद है अति कर दीना, बिन सतगुरु काहो नहीं कीना। फिर पढ़ो। नाम भेद है अति कर दीना, बिन सतगुरु काहो नहीं कीना। नाम भेद बहुत ही जीना है, बारीक है, और इसको किसने देखा? सतगुरु ने देखा, और किसी ने नहीं देखा। और सत्य कौन है? जो सदा रहने वाला है वो। तो क्या हमारा शरीर सत्य है? पूछो अपने आप को, क्या हमारा मन सत्य है? नहीं है। ना हमारा शरीर सत्य है, ना हमारा मन सत्य है। और मैं आगे कह देता हूं कि हमारी आत्मा है तो जरूर, लेकिन सत्य वो भी नहीं है। वो भी जाकर अपने पूर्ण रूप में समाप्त हो जाएगी। वो प्रकाश रूप है और वो ब्रह्म रूप है, और पार ब्रह्म में जाकर चली जाएगी, और पार ब्रह्म हमें दोबारा फिर कहीं भी भेज सकता है। बात समझ गए? पार ब्रह्म बड़ा प्रकाश, वो हमें दोबारा जन्म दे देगा। इसलिए संतों ने कहा है। अब मैं एक बात और कह देता हूँ जो मैंने समझी, हो सकता मैं गलत हूं। हम कई कहते हैं ईश्वर, फिर कहते हैं परमेश्वर, फिर कहते हैं आत्मा, फिर कहते हैं परमात्मा। अमरीक सिंह बात को सुनना, ईश्वर क्या है? ईश्वर तुम्हारा अपना शरीर है। ईश कहते हैं ताकत को, और वर कहते हैं मालिक को। जो ताकत का मालिक है वो शरीर है तुम्हारा। ये क्या है? ये स्थूल रूप है, सबल ब्रह्म है, सबल ब्रह्म से बना है। सबल ब्रह्म में ठोस पदार्थों से बना है, इसलिए इसको सबल ब्रह्म कहा गया है। और हमारा मन क्या है? वो शुद्ध ब्रह्म है, उसमें कोई लेख लपाप नहीं था, वो शुद्ध है था। लेकिन यहाँ आए, हमने देखा सुना, माँ ने संस्कार दिया, पिता ने संस्कार दिया, समाज ने संस्कार दिया, ये मन पूरी तरह से लद गया और अपने रूप को ही भूल गया। तो ईश्वर शरीर है और परमेश्वर तुम्हारा मन है, उसमें बहुत बड़ी ताकत है। कब? जब तुम अभ्यास करते हो, यहाँ ठहरते हो, मन बलवान हो जाता है, जो चाहते हो तुम्हें मिल जाता है। इसीलिए इसको कहा गया कि ध्यान करो। बात समझ गए? फिर आगे जाते हो तो तुम्हारे भीतर ताकत आ जाती कि तुम मन की ताकत जहाँ गुरु का रूप देखने लग जाते हो। और कई लोगों ने तो गुरु के रूप को पैदा भी कर लिया। यही तो महाराज बाबा फकीर जी को चिट्ठियाँ आया करती थी, वहाँ मैं सुना करता था बैठकर। लोगों चिट्ठियाँ आती थी, महाराज को सुनाते थे और जवाब देते थे। बाबा जी हम आप आए, हमारा आपने ये काम कर दिया। बाबा जी आए, मुझे दर्द होती थी, आपने हाथ लगाया, मेरा दर्द ठीक हो गया। ऐसी चिट्ठी आती थी उनकी,
और वो कहते थे मैं नहीं जाता, तुमने तुम्हारे मन ने मुझे, तुम्हारी श्रद्धा ने मुझे पैदा किया। तो मन में कितनी ताकत है, शरीर की ताकत और है, मन की ताकत और है। इसलिए शरीर तुम्हारा ईश्वर है और मन तुम्हारा परमेश्वर है। आगे चलो, पर आत्मा क्या है? आत्मा प्रकाश रूप है, उसको कहते हैं आत्मा। परमात्मा क्या है? बड़ा प्रकाश, बड़ा प्रकाश, परब्रह्म, ब्रह्म जीव है, ब्रह्म आत्मा है, और परब्रह्म जहां से आत्मा आई, आत्मा प्रकाश से आई है। हम प्रकाश से नहीं आए, इसलिए जीव और है, हस्ती और है, शरीर और है, मन और है, आत्मा और है, और मैं और हूं। क्या कहा मैंने? इस बात को कौन समझेगा, कौन समझेगा इस बात को? चौथा पद आगे पढ़ो, आगे पढ़ो। नाम भेद है अति कर जीना, बिन सतगुरु का हो नहीं जीना। आगे पढ़ो। जपने में सब गए बुलाए, नाम अगम कोई भेद न पाए। वो तो अगम है, उसकी तो लिमिट ही कोई नहीं नाम की, वो अगम है। कैसे? कहते जपने में सब भूल गए, कोई राम किसी ने छाप दिन डाल ली राम राम लिख के। वो एक बात मैं हम कह दूं, बुरा ना मानना, हम पंडित जी बुरा ना मानना, अपने विद्वान बैठे हैं आप पे। सुनो, हम त्रेता में हुए राम जी महाराज और द्वापर में हुए भगवान कृष्ण जी महाराज, तो हम जपने में क्या करते हैं? हरे रामा हरे कृष्णा हरे रामा हरे कृष्णा। तुम्हारा साथ कौन देगा, कौन देगा साथ? द्वापर वाला देगा कि त्रेता वाला देगा? वो दोनों कैसे इकट्ठे होंगे बताओ मुझे? ओ एक ही को पकड़ लो, राम को ही पकड़ लो, तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। कृष्ण को पकड़ लो तो भी तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा, और राम भी तुम्हारे अंदर और कृष्ण भी तुम्हारे अंदर। जानने की कोशिश करो, राम वो शक्ति जो तुम्हारे शरीर में रमी हुई है, जो तुम्हारे शरीर में रमी हुई है, जो तुम्हारे अंग अंग में है रमा हुआ, वो राम है। और कृष्ण वो है जो तुम्हारे अंदर एक हस्ती है जो आपको आकर्षित करती है, अपनी ओर खींचती है, वो कृष्ण है। यहाँ रहता है, ऊपर रहता है। क्या कहा मैंने? कौन समझे गरीब बात को? कृष्ण का मतलब है आकर्षण पैदा करने वाला, जो तुम्हें आकर्षित करता है। वो तुम्हारे आकर्षित करने वाला कौन है? तुम्हारा अपना रूप है। क्या कहा मैंने? एक को पकड़ लो, तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। तुम तो त्रेता को भी पकड़ा हुआ, द्वापर को भी पकड़ा हुआ है, उन्हें जाने कहां कहां रहने वाले कलयुग के। हम बात करें द्वापर त्रेता की, कैसे कल्याण होगा कलयुग में? कलयुग का काम चलेगा कलमा ही, नाम पर धरना और कुछ भी नहीं। कलयुग का रूप क्या है? नाम और कुछ नहीं है। कलयुग में कोई जब तब काम नहीं करेगा, नाम काम करेगा, और वो नाम कहाँ रहता है? आगे पढ़ो। जो सतगुरु पूरे दिल जाते तो वे भेद नाम का गाते। आए थे बाबा की सतगुरु के रूप में, उन्होंने बताया सत वो नाम क्या है, कहाँ रहता है। आगे पढ़ो। नाम रहे चौथे पद माही, यह रूढ़े त्रिलोकी माही। त्रिलोकी कौन सी है? त्रिलोकी किसको कहते हैं? शरीर मन और आत्मा, ये तीन लोग अलग हैं, इनमें नाम नहीं है। इनमें काम भी है, क्रोध भी है, लोभ भी है, मोह भी है, अहंकार भी है, जप भी है, तप भी है, तीर्थ भी है, व्रत भी है, जो मर्जी करते चलो, लेकिन तुम चौथे पद में नहीं जाओगे। चौथा पद है इन तीनों से आगे, वहाँ है नाम। वो नाम क्या है? वो तुम खुद हो, यू आर योर सेल्फ, तुम्हारा नाम है वो, तुम हो वो। इसीलिए तो लिख दिया इसी पोथी में, इसी पुथी में सबसे पहला शब्द यही लिख दिया, राजा स्वामी गाय कर जन्म सफल कर ले।
यही नाम निज नाम है, मन अपने धर ले। राधा स्वामी नाम जो गाए सोई तरे, कल क्लेश सब नाश। कल क्लेश कलयुग के, इस कलयुग के सारे क्लेश, सारे दुख, सारी आपत्तियां खत्म हो जाएंगी। कल क्लेश सब नाश, सुख पावे और दुख हरे, दुख दूर हो जाएगा। कब? जब तुम वहां चले जाओगे। लेकिन एक बात और कह दूं फिर कह देता हूं, ये ना समझना कि वहां जाए तो हम समय कोई दुख नहीं होना। वहां जब तक तुम वहां हो, कोई ना दुख है, ना कोई सुख है, ना कोई गुरु है, ना कोई चेला है, ना कोई जात है, ना कोई पात है। आपने शब्द पढ़ा था साधो, हमारा देश क्या है, सखिया भाग अर साध। आपने एक शब्द गाया था, सखिया भाग अर सब। हाँ, सखिया भाग अर सबसे न्यारा, जो पूर्ण पुरुष हमारा, जहाँ हमारा पूर्ण पुरुष रहता है वो घर सबसे न्यारा है। वो वहाँ कुछ ना धूप ना गर्मी ना सर्द, वहाँ दौ ये दौ नहीं लगती वहाँ कुछ नहीं। लेकिन जब शरीर में आएंगे, बाबा जी ने यही तो कहा, जब मैं शरीर में आता हूँ तो ये पेट दर्द, कभी पेट की प्रॉब्लम, कभी खुजली, ये नहीं छोड़ती। अगर मैं वहाँ पहुँच गया तो ये क्यों नहीं ठीक कर सकता? आ इंसान, तू वहां पहुंच कर भी कुछ नहीं कर सकता। कर्म जो किया वो भोगना पड़ेगा, चाहे तुम चौथे पद में चल जाओ, चाहे तुम पांचवें पद में चल जाओ, लेकिन जब तक शरीर में हो तुम्हें भोगना पड़ेगा। हाँ, बाबा फकीर ने ये आखिर में जरूर लिखा कि शरीर में तकलीफ है, लेकिन शुक्र है दाता दयाल का, मुझे अब उसमें विलीन होने का पता लग गया, मैं उसमें विलीन हो रहा हूँ। बस उसमें विलीन होना है तब जाकर मोक्ष होगा, वरना जब तक हम मन में हैं तब तक हमारा मोक्ष नहीं हो सकता। आगे बढ़े। तीन लोक में नाम न पावे, चौथे लोक में संत बतावे। संतों ने कहा वो चौथे लोक में है, आगे पढ़ो, मैं बता देता हूँ। तीन लोक में बसता का, चौथे में राम दयाल। तीन में काल है, काल मीन समय। हमारे शरीर भी बदल रहा है, हमारा मन भी बदल रहा है, और हमारे आत्मिक विचारधारा भी बदल रही है। बदल रही है ना तीन लोग में, लेकिन वो चौथा पद जो है वहाँ कुछ भी बदलता नहीं है, वो ठीक स्थिर है, स्थिर ठहरा हुआ है। अब वो क्या है, अब सुनना ध्यान से, वो क्या है, क्योंकि उसका अनुभव बाबा फकीर ने मुझे करवाया, इसलिए मैं आपको बताने लगा हूँ कि जब हम सिमरन करते हैं, पहली बात तो ये है कि जैसा जैसा तुम्हारा शरीर बना है, कुदरत ने जो बनाया है, इस कुदरत ने हर शरीर में अपने गुण भरे हैं, अपने गुण भरे हैं। गुण क्या, कोई रजोगुणी है, कोई तमोगुणी है, कोई सतोगुणी है, हर तरह के गुण हमारे अंदर हैं। और फिर पांच तत्व हैं, इन पांच तत्वों में भी बैलेंस पूरा नहीं है, किसी में कोई गुण ज़्यादा है, किसी में अग्नि तत्व ज़्यादा है क्रोध करता है, जिसमें जल तत्व ज़्यादा है बड़ा शांत रहता है, किसी में ये क्या उसको कहते हैं वायु तत्व है वो दौड़ लगी हुई उसकी, ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, ये सारे तत्वों का खेल है। बात मेरी समझ रहे हो ना, हम जो कुछ भी कर रहे हैं पाँच तत्वों के कारण कर रहे हैं। जैसा जैसा उस कुदरत ने हमारा बर्तन बनाया और उस बर्तन में हमें बैठा दिया, उस बर्तन के मुताबिक हम मजबूर हैं, कोई वो अलॉटेड वर्क है जो उसको हम कर रहे हैं, बात समझ गए। और कोई भाग्यशाली होता है जिसको बचपन से ही कुदरत ने ऐसा बना के भेजा कि वो शुरू से ही इधर की तरफ चल पड़ता है, इधर की तरफ चल पड़ता है। और कुदरत का खेल है कि जैसी डिमांड हो वो सप्लाई पैदा हो जाती है। बात मजी समझ गए। तो वो क्या है कि जब हम अभ्यास करते करते शरीर को भूल जाते हैं, सुन को भूल गए, महासुन में गए, शरीर भी नहीं रहा, मन भी नहीं रहा, फिर भंवर गुफा में चले गए। भंवर में क्या है, ना शरीर है ना मन है, और वहाँ वहाँ एक 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 सोची पैदा होती है, एक सिंगारी पैदा होती है ज्ञान की,
कि मैं ना शरीर हूँ ना मन हूँ, तो मैं क्या हूँ, उसकी खोज फिर दाता करवाते हैं, गुरु करवाता है। और उस भवन से गुरु निकालता है कि बच्चा जो कुछ नीचे तू देखा ये कुछ भी नहीं था, ये केवल सपना था, ये सपना था, तू आगे चल। और उससे आगे सतलोक में इंसान प्रकाश में चला जाता है। प्रकाश में जो आवाज आती है, किसी को सत्य सत्य सुनाई देता है, किसी को सतनाम 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 की आवाज़ आती है, किसी को वीणा की आवाज़ आती है, शरीर के मुताबिक वहाँ आवाज़ें आती हैं। बात समझ गए? उसके आगे फिर जो सतगुरु की जब और दया होती है तो फिर अंदर एक शब्द पैदा होता है, अंदर उस शब्द को ये कान नहीं सुन सकते ना, ये कान बंद हो जाते हैं, ये आंखें भी बंद है, ये मुंह भी बंद है, वो जो धुन वहां से आती है उसको श्रुत सुनती है, हमारी श्रुत। और उस श्रुत के कान भी हैं महाकारण, और उस श्रुत की आंख भी है, वो देखती भी है और वो सुनती भी है। और फिर वो उसको देखती 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 उस शब्द में लय हो जाती है। उसको कहा है जाप मरे अजपा मरे अनहद भी मर जाए, श्रुत समाने शब्द में ताको काल न खाए। वो उसका रूप हो जाती है जहां से शब्द आता है। क्या कहा मैंने शर्मा जी? फिर कहा कबीर साहब ने, कबीर साहब ने कहा तन थिर, हमारा तन थिर होता है कभी, देखो आप कितनी देर बैठते हो तुम लोग, आधा घंटे का बैठ, वो मेरे कोटियां से दर्द होने लग गए, मेरे तो बैठ नहीं होता, तन थिर बैठा हुआ, मन थिर मन भी ठहर गया, तन थिर मन थिर सुरत निरत थिर हुए। फिर सुरत जो हमारी वो भी ख्याल क्रूर सब छोड़ देती है, वो भी ठहर जाती है, कहाँ यहाँ, वो जहाँ से चली गई ना, हमारे शरीर के सारे अंग अंग में हमारी सुरत फैली हुई है, सुरत हमारी फैली हुई है। अगर सुरत फैली हुई ना हो शरीर में तो जहाँ जब कोई चीज़ लड़ती है, कांटा होता है, चुभता है, तो हम एकदम पता लग जाता है ना, क्यों, क्योंकि सुरत है यहाँ, यहाँ हमारी वो सुरत फैली हुई है सांस के साथ, हमारे खून के साथ। अगर इसको अलग कर दो, बांध दो यहाँ से, और यहाँ से जितनी मर्जी काट दो कोई पता नहीं लगेगा, मेरी बात, यहाँ टीका लगा दो नीचे का सिर हो जाएगा, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड साइलेंट हो जाएगा, तो आपको कुछ नहीं पता लगेगा। क्या कहा मैंने? तो वो जो सुरत, जब हम सुन होते हैं, सुन में शरीर हमारा काम करना या हमें एहसास बंद हो जाता है, फिर महासुन में हमारा मन भी बंद हो जाता है, फिर भंवर गुफा में दोनों जब बंद हो जाते हैं तो फिर हमारे अंदर एक भावना पैदा होती है कि मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, क्या हूँ। वहाँ गुरु आ जाता है, सतगुरु दया करते हैं और आपको सतलोक पहुँचा देते हैं। फिर और दया होती है तो अलख में चले जाते हो, फिर अगम में चले जाते हो, फिर राधा स्वामी धाम में चले जाते हो, वहाँ सुरत फिर शब्द को सुनती है। वो है चौथे पद का नाम। क्या कहा मैंने? वो जो तुम नाम लेके आते हो ना, सुबह गए शाम को नाम लेकर आ गए, वो नाम नहीं है, वो तुम्हारे मन को ठहराने का नाम है। इसलिए संतों ने क्या कहा, मैं बहुत दूर चला गया फिर आता हूँ नीचे, चलो आगे क्या कहते हैं। जो सतगुरु पूरे पल जाते तो भेद नाम का जाते। मैं भाग्यशाली हूँ, मुझे मिल गया बाबा फकीर आया, मुझे छाती से लगाया और भेद बता दिया और तुम्हारी सेवा में लगा दिया। मेरा अपना कुछ नहीं, मैं तो तुम्हारा सेवादार हूँ, मैं गुरु नहीं हूँ, ना संत हूँ, ना महात्मा हूँ, मैं सेवादार हूँ, किस चीज का प्रसाद बांटता हूँ, बाबा फकीर की शिक्षा दे रहा हूँ, ले जाओ, ले जा सकते हो तो चलो, इस पर सुखी हो जाओगे। जो दुनिया चलती रहती है और चलती रहेगी, एक इच्छा रखो मालिक पूरी करेगा। कभी हो नहीं सकता कि गुरु के दरबार में जाओ, गुरु के दरबार में कमी वस्तु की ना,
बंदा मौज न पावे चुख चक्री माँ। गुरु को भी मानते हो और फिर दूसरी जगह भी जाते हो तो तुम न इधर के रहे न उधर के रहे। मैं तो जब से आया इधर तो मुझे नहीं पता कोई देवी है कोई देवता है कोई होगा भगवान भी होगा। मेरा तो कोई रब्या बस सीधी बात है। अब भी है अब भी है क्यों लिख कर दे दिया मुझे मुझे लिख कर दिया। क्या लिख कर दिया? सच्चे दिल से दुआ देता है बेफकीर। क्या लिख के दिया? सच्चे दिल से दुआ देता है ये फकीर। खुश रहो बासेहत रहो और अमीर। खुश रहो बासेहत रहो और अमीर। दिल में रहे एक आस और विश्वास। किसकी? गुरु की और किसी की नहीं। उनके शब्द की उनकी वाणी की उनके हुक्म की उनके आशीर्वाद की। दिल में रहे एक आस और विश्वास। तेरे अंतर है हर वक्त जाते फकीर। कहाँ जाऊँ मुझे जाने की जरूरत है कहीं? तेरे अंतर है हर वक्त जाते फकीर। तो वो तो घट में बैठा। मैंने अभी कबीर साहब की बात कही ना, हमारा यार है हमें हमको इंतजारी किया। अभी मैं सुबह कह रहा था फरीद साहब का शब्द एक है, कर्म करेंदा चलमना, कर्म करेंदा चलमना, काली जितते हार, यार बसे हमारे सीमड़े अपे ले जो पार। यार बच्चे मेरे सीनड़े अपे ले जो पार। ओ तू कम कर, निर्भय होके कम कर, निर्लेप होके कम कर, निष्पक्ष होके कम कर। तेरी बाँह दे हाथ जा। की कहा मैंने? आगे चलो। नाम तीन लोक में नाम न पावे, चलता चल चौथे लोक में संत बतावे, सोई नाम संतन से पावे, बिना संत नहीं नाम समावे। संत कौन है? अब सवाल पैदा हो गया। संत वो जो प्रकाश में रहता है वो संत है। वेशधारी नहीं हो सकता। दाढ़ी बलाड़ी मेरे को, मैं पीछे भी बताया था, मुझे एक बार टेलीफोन आया था किसी बड़े डेरे से, उनके पीए ने टेलीफोन किया, महाराज जी कहते हैं कमल जी आप दाढ़ी बना रख लो, दाढ़ी रख लो। मैं क्या, अच्छा दाढ़ी रखने से क्या होगा? कहते फिर आदमी संत लगता है। मैं संत लगता है। मैं क्या, अच्छा महाराज जी को कहो कि महाराज जी मेरे जो दादा गुरु थे महर्षि सिब्रत लाल जी, उन्होंने तो दाढ़ी नहीं रखी थी, तो दुनिया उनको याद करती है। और मेरे गुरु भाई महाराज मानव दयाल जी महाराज ने भी दाढ़ी नहीं रखी थी, तो वो क्या उनको उनको मैं क्या कहूँ? उनके बारे में आपकी क्या राय है? है ना, मैं तो भी नहीं रखूँगा। मुझे जैसे मैं हूँ वैसे ही मैं, मैंने ड्रामा नहीं करना आता। मैं ड्रामा क्यों करूँगा? जिनको जरूरत है वो ड्रामा भी करें, बाहर स्टेज पर आने से पहले तो कुछ खाते भी हैं कि ताकि रंग लाल हो जाए। ऐसा भी मैंने देखा है, रंग लाल हो जाए, मेकअप करते हैं पूरी जाने से पहले, फिर पूछते हैं अपने साथी और देख मेरी बात मैं हूँ ठीक है? हाँ जी महाराज बिल्कुल ठीक है। और संगत देखभाल आई कि नहीं? ठीक है, महाराज आ गई है, चलो ला। फिर जाते हैं सब चेज के ऊपर, पहले नहीं जाते। ये हमारा ड्रामा नहीं है। पांच आओगे तो भी मैं सेवा करूँगा, हजार आओगे तो भी सेवा करूँगा, 5,000 आओगे तो भी सेवा करूँगा। और अभय कुमार जी बैठे लंगर की सेवा भी करेंगे आपकी। अब मेरी बात समझ गए, यहाँ कोई कमी नहीं है। आगे चलो। अब मार्ग का भेद बता। अब कहते हैं मैं मार्ग का भेद बता देता हूँ, स्वामी जी कहते हैं। अब मार्ग का भेद बताऊं, आँख खुले तो भेद लखाऊं। कहते हैं पहले आँख खोलो, कौन सी? ये नहीं, अंदर की। इधर उधर ना भागो, अंदर की आँख खोलो, सोचो क्या कहने लगे स्वामी जी, बोलो। पहले सूती नैन जमावे, फेर घट भीतर लावे। पहले क्या करना? अपने मन को यहाँ लाओ,
जाल लाओ, घेर फेर के इसको जाल लाओ, जो फिर दौड़ेगा, फिर ले आओ, फिर दौड़ेगा, फिर ले आओ, फिर क्या करो, गुरु महाराज की फोटो सामने रख लो, फिर इन्हें डर दे दियो, इन डर दे दियो, बाबा जी बैठे देख रहे हैं, मेरी बात समझ गए, बाबा जी देख रहे हैं मैनू, तू हो जा छा ठिकाने, लग जा ठिकाने, ठहर जा, क्योंकि तू उल्टा, बिन भय भक्त ना होई, बिन भय भक्त ना होई, डर के बगैर फौजी भी जरा टेंशन नहीं होंगे, टेंशन हो जाता जब सामने आना होंगे। महाराज जी कहा करते थे, तुम दफ्तर में बैठे काम कर रहे हो, तुम्हारा अफसर आ जाता है, तुम क्या करते हो, एकदम खड़े हो जाते हो और टेंशन हो जाते हो, कुछ नहीं देखते इधर उधर कि साहब क्या कहेगा, तो गुरु ने अपने सामने को समझो कि गुरु देख रहा है। फिर पढ़ो आगे, पहले सुरती नैन जमावे, घेर फेर घट भीतर लावे, बिरा होए तो यह बन आवे, मेहनत करे तो कुछ फल पावे। कहते हैं अपने बिरा पैदा करो, मैं बिछड़ा हुआ हूँ, किससे बिछड़े हुए हो, अपने आप से बिछड़े हुए हो, भगवान से नहीं, वो तो बहुत दूर है, तुम्हारे अंदर जो बैठा है तुम उससे बिछड़े हुए हो, और मन में रहते हो, अपने मन में रहते, अपने ख्यालों में रहते हो, इनको छोड़कर उसको देखो कि मैं कौन हूँ, मैं बिछड़ गया हो, मैं तो बाबा फकीर जी महाराज कहते थे, बाबा फकीर जी महाराज ने फरमाया कि थोड़ी देर बैठो, बैठ के अपने विचार बंद कर दो, ख्यालों को कफूर कर दो, फिर देखो तुम कौन हो। तो बड़ी आसानी से बता दी बात, बड़ी सीधी बात बता दी, ख्याल बंद, आगे देखो तुम कौन हो, तुम तो ख्यालों में भूले हुए हो, ख्यालों को बंद करना ही भक्ति है, जहां ख्याल गए तुम आगे चले जाओगे। मेरी बात समझ गए, मन की दौड़ ख्यालों तक है, मन ख्याल बंद हुए, इसलिए कबीर साहब ने कहा, मन तू थकत थकत थक जा, और थक जा हूं तू, किन्ना सोचना रहेगा, कितनी दौड़ धूप करेगा, बस कर, फिर तेन उस चीज का पता लगना। आज पढ़ो, देख तिल तिल जोत समावे, अंदर अनेक तरह के यहाँ घंटे, जैसा जैसा तुम्हारा शरीर है वैसे वैसे अंदर घंटियाँ बजती हैं, किसी को नगाड़ा सुनाई देता है, किसी को बांसी सुनाई देती, किसी को ओम ओम की आवाज़ सुनाई देती, किसी को बादल गरजता सुनाई देता, हर इंसान का अपना अपना अंदर ख्याल पैदा होता है। आगे चलो, मन बस होए तो सूरत जागे, निरख आकाश आत्मा पागे। फिर क्या होता है, जब मन बस हो गया तो सुरत जाग जाती है, फिर क्या होता है, सुरत बाद में आत्मा, आत्मा पहले जागेगी फिर सुरत जागेगी। आगे चलो, पर सात पतर परमात्म निरख, आत्म जाए परमात्म पर है। आगे क्या मिलेगा, परमात्मा क्या, जो जिसको तुम मानते हो उसका रूप तुम्हारे सामने आ जाएगा, उसको तुम परमात्मा मानते हो, ये परमात्मा है जिसको आपके मन ने बनाया। आगे चलो, परमात्म से आज जाई, सुन महल में बैठत पाई। ये पहली स्टेज है सरदल कमल, दूसरी स्टेज है त्रिकुटी, तीसरी स्टेज है सुन, चौथी स्टेज है महासुन। अब महासुन के बाद क्या, आगे चलो, खिड़की आगे चौक अपारा। महासुन में आप चले जाते हो तो उसके बाद क्या होता है, एक चौक कहते स्वामी जी महाराज, मुझे नहीं पता चौक क्या है, वहाँ हमारा मन चित्त बुद्ध अहंकार खत्म हो जाते हैं, बात समझ गए, उसको चौक कहते हैं, जहाँ मन चित्त बुद्ध अहंकार इकट्ठा हो जाते हैं उसका नाम है चौक। वो चौक को पार हम कर जाएंगे, ना वहाँ मन रहेगा, ना वहाँ चित्त रहेगा, ना वहाँ बुद्ध रहेगी, ना वहाँ अहंकार रहेगा। इसलिए परमदयाल जी महाराज ने कहा, स्पिरिचुअलिटी स्टार्ट्स वेयर इंटेलेक्ट एंड्स,
जहाँ बुद्धि समाप्त हो जाती है उसके बाद जाकर हमारा अध्यात्म शुरू होता है। आगे सुन के परे महासुन लेखा महासुन पर खिड़की देखा आगे खिड़की आगे चौक अपारा चौक परे निरखा सत द्वारा। आगे फिर क्या होगा जब मन नहीं रहा चित्त नहीं रहा बुद्ध नहीं रहा अहंकार नहीं रहा आगे क्या है सतपुरुष आगे सतलोक आ जाएगा प्रकाश तुम्हारे अंदर प्रकाश पैदा हो जाएगा। मतलब ये जितना ये खेल है ना ये यहाँ मन की दुनिया है ये भूरे रंग का है ये पांच स्टेजेस यहाँ मन की है यहाँ मन हमारा यहाँ से लेकर जहाँ तक मन का राज है ये नीचे अंड है ये अंड है ये पिंड है ये अंड है ये पिंड ये अंड ये ब्रह्मांड है। बात समझ गए तो हम पिंड को पहले तो पिंड को छोड़ेंगे अंड में आएंगे फिर अंड को छोड़ेंगे अंड में पांच स्टेजेस हैं सजल कमल है त्रुटि है शून्य है महाशून्य है भवन गुफा है ये पांच यहाँ हैं और इसके बाद फिर सतलोक शुरू हो जाता है। सत्य है अलग है अगाना है राधा स्वामी जहाँ धाम है जहाँ टक 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 हो रही है वो टक टक नहीं है वो शब्द है वो हम उसको टक टक कहते हैं लेकिन वहाँ शब्द हो रहा है। जब हमारी श्रुति यहाँ से विड्रा होकर मन चित्त बुद्ध अहंकार से फ्री होकर यहाँ पहुँच जाती है तो वहाँ शब्द पैदा होता है। आगे सत नाम सत पुरुष सत नाम काई सत लोक निज पाया आई और सत लोक में पहुँच गए। आगे चलो यह मार्ग संतन ने भाखा भेद प्रगट कुछ कोई न रखा। स्वामी कहते मैंने सारा भेद खोल दिया कोई का मैंने नहीं रखा किस तरीके का भेद नहीं रखा। आगे लोक भेद बस जो दियो होई सो परतीत न लावे कोई। अगर तुम किताबों में फंसे हुए हो वेदों में शास्त्रों में फंसे हुए तुम्हें इस बात का पता नहीं लगेगा। आगे लोक भेद में जो पड़े नाग पाच दस खावे वेदों में पड़े हुए हैं पुस्तकों में पड़े हुए हैं ये पढ़ लो वो पढ़ लो वो पढ़ लो उनको पांच नाग नहीं छोड़ेंगे काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ये नहीं उनको छोड़ेंगे वो हमेशा उनके अंदर ही रहेंगे और वो उनके द्वारा तकलीफ पाते रहेंगे। आगे लोक भेद बस लोक भेद में जो पड़े नाग पाच रस खावे जन्म जन्म में दुख रहे रोवे और चिल्लावे वो आगे नहीं जा सकते इसलिए संत कहते हैं पहले पुस्तक पुस्तक छोड़ते रहे भले की कहूँ किताबा छोड़ दे। बात समझ गए यही भले की बात है। आगे चलो जिन सतगुरु के वचन की करी नहीं प्रतीत ये बात बहुत उचित कही है इसीलिए कहा है जाके गुरु के पास बैठो और वचन उनके सुनो जो सुनो उनको विचारो जो विचारो वह गुणो। और स्वामी जी कहते हैं जिसने गुरु की बात के ऊपर विचार नहीं किया उनका क्या होगा पढ़ो फिर दोबारा जिन सतगुरु के वचन की करी नहीं प्रतीत नहीं संगत करी संत की वैरों सिर पीत। एक तो संगत भी नहीं की संत की और दूसरी बात पर भी नहीं चले तो फिर वो क्या करेंगे की कर जाना मानवता मंदिर साढ़े तो कोई गल समझ ही नहीं आती पता नहीं की गल गल कर लेंगे तो साड़ी आ गल नहीं पूरी हुई सारा और ही होया बाद में समझ गया ना तुम्हारा विश्वास कांच की टुकड़ी है कांच ऐसे टूट जाता है विश्वास नहीं टूटना चाहिए क्यों विश्वासम फलदायकम विश्वास ही सब कुछ देने वाला है। मेरे सतगुरु बाबा फकीर जी फरमाया करते थे तुम्हारा विश्वास मीरा जैसा विश्वास होना चाहिए कि चाहे जहर भी आ जाए और उसको अमृत समझ के पी गई कुछ नहीं हुआ
तब तो वो बात बनेगी ना। तुम्हारा विश्वास तुम्हें भक्त जैसा होना चाहिए कि रोटी नहीं खानी आ जा नहीं तो मैं भी मर जाना, तो वो बात कौन करता है आजकल। आजकल तो ये भी काम हो जाए मेरा, ये भी काम हो जाए मेरा। ये एक आस विश्वास गुरु का, एक आस रखा करो, दो नहीं चार नहीं, एक आस जब तक पूरी ना हो दूसरी बात मत करो। एक आस पहले ले लो, पहले ये हो जाए फिर बाकी देखा जाएगा। मेरी बात समझ गए ना। भूखा आदमी पहले क्या करेगा, रोटी खाएगा, मैं रोटी खा दे यार फिर बाकी करेंगे सारा काम। तो पहले एक आस को पूरी करो फिर दूसरी करो, तुम्हारा काम बनता जाएगा। ये मेरा अनुभव कहता है। मैंने आज आपको बहुत कुछ कह दिया, हो सकता है मैंने गलत कहा हो सकता है आपके लिए गलत हो सकता है, लेकिन मेरे को मेरे सतगुरु की शिक्षा, मेरे को मेरे परमदयाल जी महाराज के विचार साथ रहते हैं। गुरु मेरे संग सदा है नाले, कैसे शब्द के रूप में, उनके वचन के रूप में, उनकी शिक्षा के रूप में। जिसने ये समझ लिया कि गुरु की शिक्षा मेरे साथ है तो मैं एकदम याद आएगा गुरु ने ये कहा था, मालिक ने ये कहा था, इसलिए बुरा ख्याल आता है। यदि मैं कहता हूँ मैंने कोई ख्याल नहीं आता, इतना आता है लेकिन मैं काट देता हूँ। और बाबा की ने ये कहा, मेरे बाबा आ जाने डंडा लेके छोड़ ख्याल को मैं छोड़ देता हूँ। क्या कहा मैंने, गुरु को अपने पास समझो भाई। गुरु मानवता मंदिर में नहीं है, गुरु किसी डेरे में नहीं रहता, गुरु तो हमेशा तुम्हारे संग है। रूप किस में, तुम्हारी विश्वास में है, तुम्हारी श्रद्धा में है, तुम्हारे प्यार में है। मैंने बहुत कुछ कह दिया आज आप लोगों को, सुखी रहो। मैं सच्चे दिल से चाहता हूँ मालिक तुम्हें शरीर तंदुरुस्ती दे, मन को शांति दे, आत्मिक ज्ञान मिले और आपको आपके घर का पता लगे, ताकि तुम्हारा जीवन सुख में गुजर सके, आपके घरों में शांति रहे, आपके घरों में आनंद रहे, तुम्हें किसी भी चीज़ की जरूरत कमी ना महसूस हो। मेरी सबको बहुत बहुत शुभकामना। राधा स्वामी, राधा स्वामी, राधा स्वामी।